पूर्वी सिंहभूम जिले के 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद जिले के 218 ASI को सब इंस्पेक्टर रैंक में प्रोन्नति मिली है। मंगलवार को गुलमोरी पुलिस केंद्र में आयोजित पासिंग परेड कार्यक्रम में SSP प्रभात कुमार ने सभी प्रोन्नत अफसरों को प्रशस्ति पद देकर उनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना की। SSP ने बताया कि इस दौरान सभी प्रशिक्षु ASI को इंडोर एवं आउटडोर प्रशिक्षण दिया गया है। करीब 30 साल के बाद ASI को इस तरह का प्रशिक्षण मिला है, जिसकी सराहना SSP ने की। SSP ने इन्हें प्रशिक्षित करने वाले प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया। ये सभी लोग नेक्स्ट लेवल पर प्रमोशन के कगार में हैं। ASI सब इंस्पेक्टर बनने वाले हैं। इसी कड़ी में इनको और कानूनी रूप से और जानकारी देने के लिए रूरल जो एस्पेक्ट होता है पुलिसिंग का, उसकी जानकारी देने के लिए आउटडोर में इनको रिफ्रेश करने के लिए ये ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था। आज उस ट्रेनिंग की अंतिम कड़ी में इनका फर्स्ट नंबर परेड भी लग गया है। फर्स्ट नंबर परेड काफी अच्छा रहा और इनको साक्षी थाना क्षेत्र में जिला पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स ने संयुक्त रूप से मंगलवार को फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च साक्षी थाना से निकलकर बड़ा गोल चक्कर से होते हुए रामलीला मैदान, कासीडी हाई स्कूल, कासीडी दुर्गा पूजा मैदान होते हुए वापस साक्षी गोल चक्कर पहुंची। फ्लैग मार्च के आगे PCR वाहन और उसके पीछे रैप के जवान की वाहन थी। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य रैप को साक्षी के संवेदनशील इलाकों से रूबरू करवाना था, ताकि आपातकालीन स्थिति में जवानों को इलाके के बारे में जानकारी हो और वह तत्काल एक्शन ले सके। लंबित मांगों को लेकर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने झारखंड फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर आंदोलन कर रहे हैं। इसके प्रथम चरण में राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार आगामी 7 फरवरी से 3 दिवसीय हड़ताल पर है। इस कारण जन वितरण प्रणाली की सभी दुकानें आज से 9 फरवरी तक बंद रहेगा। रुपया तोलने की मजदूरी मिलती है, तो सरकार से हमारा आग्रह है जो हमको 2 रुपया अंत्योदय के लिए और 3 रुपया PH में तोलने की मजदूरी की स्वीकृति दिलाई। दूसरी मांग ये है जो हम लोगों को दुकान खर्च के नाम पर जो कि शिबू सोरेन की सरकार में अभी मुंडा की सरकार में बरकुवर गगराए हमारे सप्लाई मिनिस्टर थे, उस टाइम भी वो लिख के देखे 3-4 हज़ार रुपया इन लोगों को मासिक खर्च दिया जाए। और पूर्ववर्ती सरकार है रघुवर दास सरकार ने भी 1,000 रुपया प्रोत्साहन राशि देने का घोषणा किया था, न उसका हुआ न रघुवर सरकार का हुआ, आज तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला। तो हमारी सरकार से ये मांग है जो 5,000 रुपया दुकान खर्च दुकान भाड़ा के नाम पर सबको दिया जाए। जमशेदपुर पुलिस ने हत्या की योजना बनाते 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। SSP ने बताया कि इन बदमाशों की गिरफ्तारी बर्मामंज थाना क्षेत्र से की गई है। उनकी गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर हुई है। SSP ने बताया कि गिरफ्तारी अपराधी शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति की हत्या योजना बना रहे थे। यह सभी अपराधी पहले भी जेल जा चुके हैं। बड़ी सफलता अर्जित की गई है। जमशेदपुर पुलिस को ATS झारखंड पुलिस के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुआ था कि जमशेदपुर में कुछ अपराधी किसी की हत्या करने की प्लान से घूम रहे हैं। उस पर ATS और जमशेदपुर पुलिस का एक विशेष टीम बनाया गया था, जिसका नेतृत्व CTSP जमशेदपुर कर रहे थे। उस टीम में विशेष करके ASPCT बर्मा माइंस के थाना प्रभारी और बिरसा नगर के थाना प्रभारी और उनके साथ बर्मा माइंस, बिरसा नगर और अन्य थाना के कुछ पदाधिकारी शामिल थे। ये दोनों प्रतिष्ठानों के जॉइंट एफर्ट से हम लोग एक जमशेदपुर में बहुत बड़ी घटना होने से पहले ही रोक लिए। इसमें कुल 4 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इनका पहले से भी क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। इनके पास से एक देसी करता है। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था यूथ यूनिटी फॉर वॉलेंटरी एक्शन के तत्वाधान में 10 माइल स्टोन रिसोर्ट में गर्ल्स फर्स्ट एड फंड के सहयोग से बाल विवाह एवं जल विवाह रोको। पूर्वी सिंहभूम जिले के 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद जिले के 218 ASI को सब इंस्पेक्टर रैंक में प्रोन्नति मिली है। मंगलवार को गुलमोरी पुलिस केंद्र में आयोजित पासिंग परेड कार्यक्रम में SSP प्रभात कुमार ने सभी प्रोन्नत अफसरों को प्रशस्ति पद देकर उनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना की। SSP ने बताया कि इस दौरान सभी प्रशिक्षु ASI को इंडोर एवं आउटडोर